वहीं फरीदाबाद एनआईटी से चुनाव हार चुके कांग्रेस नेता नीरज शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनावी नतीजों पर हैरानी जताई और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी जताई। रिपोर्ट देखें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता लगातार ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद एनआईटी से चुनाव हार चुके कांग्रेस नेता नीरज शर्मा ने भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद झाड़सैतली में हुई हार मेरे गले से नहीं उतर रही। जिस गांव से मुझे लाखों रुपए की माला पहनाई गई, जहां कई कई बार मीटिंग हुई, गांव के एक एक व्यक्ति ने समर्थन देने का ऐलान किया, उस गांव से आखिर कैसे हार हो सकती है। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस हर जगह आगे रही लेकिन मशीनों में पीछे। साथ ही बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम में बिजली गुल हुई और सीसीटीवी बंद हुआ। मेरा भी शक है, मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ कि क्या कारण है कि मशीनें दो तीन तीन दिन रहने के बाद भी 99% ही रिचार्ज रही और जो बीच में लाइट चली गई, जो हमारा सीसीटीवी कैमरा था लखानी धर्मशाला में हमारे आदमी बैठे थे, स्क्रीन ब्लैंक क्यों आई, मेरा भी शक है इसको लेकर। एनआईटी से पूर्व विधायक पंडित नीरज शर्मा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चुनावी नतीजे में भले ही आगे नहीं रहा हूं, लेकिन जनता की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जनता ने जो साथ दिया उसका ऋणी रहूंगा। उन्होंने कहा कि वो 1800 दिन के लिए विधायक बने थे, उनके पास एक एक दिन का हिसाब है जो कि उनकी जनता को समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि अब तक 1800 दिनों के अंदर इतनी मेहनत करनी होगी कि बीजेपी बेईमानी करके भी न जीत सके। देखिए, आज मंथन की मीटिंग बुलाई थी, सभी साथियों का परिवार का धन्यवाद दिया है, सबसे दिशा निर्देश लिए, जैसे पहले काम करते आए थे वैसे काम करेंगे। लोगों के सुख दुख में पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े हैं और जहां जनता के संग अन्याय होगा, पहले भी सरकार से लड़ाई लड़ी है, आगे भी और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल चुनावी नतीजा अनुकूल नहीं आने पर एनआईटी विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और टीम पंडित जी ने न्यू जनता कॉलोनी स्थित अभिषेक गार्डन में बैठक की, जहां पर आगामी रणनीति तैयार करने के साथ साथ कई पहलुओं पर चर्चा की गई, विचार विमर्श भी हुआ। वहीं हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने एक स्वर में कहा कि नीरज शर्मा के संघर्ष और मेहनत की जीत जरूर होगी। फरीदाबाद से अनिल मंगला की रिपोर्ट।